जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज पे। आज के इस वीडियो में जानेंगे एक नए अप टू डेट के बारे में। ई श्रम कार्ड को माल गोदाम श्रमिक कार्ड अर्थात QR कार्ड से कैसे लिंक करें और लिंक करना क्यों अति आवश्यक है, इसके क्या क्या फायदे हैं, ई श्रम कार्ड और QR कार्ड में क्या अंतर है, इन सभी छोटी छोटी बिंदुओं पे विस्तार से जानेंगे बहुत कम समय में। जैसा कि आप जानते हैं, ई श्रम कार्ड श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। वैसे असंगठित क्षेत्रों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना जिनकी संख्या करोड़ों में है, और यह माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी असंगठित क्षेत्र के वर्करों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उनके लिए एक अच्छी अच्छी जो है समाज कल्याणकारी योजनाएं बनाया जाए। दूसरा कार्ड जो भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ के तरफ से पहचान पत्र के रूप में आपको दिया जाता है, जिससे संगठन के अधीन कार्य कर रहे श्रमिकों की संख्या का पता लग सके, इसके लिए संगठन एक स्पेशल QR कार्ड जनरेट करती है, जिससे उनके अधीन कार्य कर रहे रजिस्टर्ड श्रमिकों की संख्या पता लग सके। ये उनका मकसद है, इसलिए वो QR कार्ड जनरेट करते हैं। जितने भी श्रमिक बंधु है जो BRMGSA से संबंधित है उनके पास QR कार्ड है, और जो भी श्रमिक बंधु ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनके पास ई श्रम कार्ड भी है। अब ई श्रम कार्ड को QR कार्ड से क्यों लिंक करवाना आवश्यक है, इससे क्या फायदा है, ये जान लेते हैं। मान लीजिए कि आप ई श्रम कार्ड को QR कार्ड से जब रजिस्टर्ड कर लीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि आप असंगठित क्षेत्र के मालगोदाम के अंदर कार्य करने वाले श्रमिक हैं, और मालगोदाम श्रमिकों के लिए जो श्रमिक संघ कार्य कर रही है, जो सरकार से बार्गेन कर रही है वेज एंड वेजेस में बढ़ोतरी, फैसिलिटी में बढ़ोतरी के लिए जो संघर्ष कर रही है, उसके तहत जो भी बेनिफिट होगा वो आपको मिलेगा, इसलिए ये लिंक करना अति आवश्यक है। अब इस का जो लिंक है वो आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको www.brmgss.org.com पे आप जाके अपना दोनों कार्ड वहां पे अपलोड करके और लिंक करने हेतु सबमिट कर सकते हैं। और आप यदि ये ना कर पाए तो जो आपके सीनियर है उस सीनियर से आप ये दोनों कार्ड को लिंक करवा सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप BRMGSS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपलोड कीजिए दोनों कार्ड को और वहां से लिंक कीजिए। वहां से आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपने सीनियर से मिलिए, वो आपका रजिस्टर लिंक कर देंगे, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो कार्ड आप लिंक कर दीजिएगा तो आगे चल के जो भी सहूलियत मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी, जो भी आपके फैसिलिटी में इजाफा होगा तो वो आपको मिलेगा, और ई श्रम कार्ड के तरफ से जो लोक कल्याणकारी जो भी नीतियां होगी उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये दोनों बेनिफिट के लिए ये दोनों कार्ड को आप लिंक अवश्य करवाएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।